हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे मैं BRT से इधर सातन स्क्वायर पे पहुँचा, अभी सातन स्क्वायर से मैं जाऊँगा छोंगनंग सी BTS। और अभी मैं आपको बताऊँगा कि BTS जो है कौन कौन से रूट पे चलती है, उसके कितने चार्जेस लगते हैं और BTS से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं छोंगनंग सी स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। चलिए अभी यहाँ से अंदर स्टेशन की ओर चलते हैं। आप टिकट जो है BTS की वो ये मशीन से भी ले सकते हो, या तो फिर आप सामने जो विंडो दिख रही है वहाँ से भी टिकट ले सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे BTS की टिकट लेने का मशीन है यहाँ पे, तो सेम एज BRT है। ये आप देख सकते हो यहाँ से पहले एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज करिए और ये इसका पूरा मैप है, आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे दो लाइन है, ये सिलोम लाइन है और ये सुकुम्बित लाइन है। इधर की टिकट का सिस्टम कुछ इस हिसाब से, अगर आपको यहाँ पे छोंगनंग सी पे और अगर आपको सुकुम्बित वाली लाइन पे जाना है तो आपको यहाँ से पहले श्याम जाना होगा, यहाँ वहाँ से आपको सुकुम्बित वाली लाइन वाली जो ट्रेन है वो पकड़नी होगी। तो सपोज़ कि अगर आपको यहाँ पे आरी पे जाना है तो आपको जो है वो कोकुट वाली ट्रेन जो है वो पकड़ना पड़ेगा, और अगर आपको यहाँ से सपोज सामरोंग में जाना है तो आपको खेहा वाली ट्रेन जो है वो पकड़नी पड़ेगी। और ये श्याम स्टेशन जो है वो इंटरस्टेट स्टेशन है, तो यहाँ से आप ट्रेन जो है वो चेंज कर सकते हो। तो अभी हम लोग श्याम पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे पैसे दिखा देगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टिकट 1 अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से प्लस कर सकते हो। अभी हमको 26 baht जो है वो डालने हैं, यहाँ पे स्टेशन के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस रहती है। तो यहाँ पे आप कॉइन भी डाल सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आपके पास नोट है तो यहाँ पे नोट भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने ये 20 baht डाला, तो इधर आप देख सकते हो 20 baht जो है वो डिडक्ट हो गया। अभी 6 baht और डालने मेरे को, तो इधर ये 5 का सिक्का डाल रहा हूँ और उसके बाद ये 1 baht का सिक्का डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे मेरी टिकट जो है वो आ गई। ये जो आप टिकट देख रहे हो ये BTS की सिंगल जर्नी की टिकट है, तो अगर आपको कभी कभी ट्रैवल करना है तो आप ये सिंगल जर्नी की टिकट ले सकते हो। अगर आपको रोज़ ट्रैवल करना है तो यहाँ पे एक डेबिट कार्ड करके आता है, तो आपको वो भी ले सकते हो, तो आपको जो है वो थोड़ा सा चीपर गिरेगा प्राइस में। तो चलिए इधर से हम लोग BTS ट्रेन में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये कार्ड स्कैन करना होगा ताकि ये दरवाज़ा जो है वो खुल सके, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। अभी हमको जो है वो श्याम जाना है, तो अपने को जो है वो नेशनल स्टेडियम वाली ट्रेन पकड़नी होगी। तो ये जो है वो बांगवा की ट्रेन है, तो यहाँ से आप जाओगे तो बांगवा की रूट वाली जो है ट्रेन होगी वो आएगी, लेकिन अभी हमको जो है वो नेशनल स्टेडियम वाली ट्रेन पे जाना है। तो ये रहा सामने, आप देख सकते हो नेशनल स्टेडियम, तो ये वाली ट्रेन में जो है अपने को जाना है। ये कार जो है वो आपको संभाल के रखना होगा जब तक आप जो है BTS स्टेशन से आउट नहीं होते। अगर ये कार खो गया तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है, तो इसको जो है आप संभाल के रखिएगा। ये पूरा BTS स्टेशन है छोंगनंग सी का, हम देख सकते हो। यहाँ पे आप 3 तरह के एरो देख रहे होगे, तो ये जो सामने वाला एरो दिख रहा है, तो जो लोग अगली BTS में आएंगे वो लोग यहाँ से उतरेंगे। तो अगर आपको यहाँ से BTS में चढ़ना है तो आपको ये 2 एरो दिख रहे हैं वहाँ पे खड़ा रहना होगा, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ से इजीली निकल सके। तो चलिए अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। यहाँ पे आप जो चेयर देख रहे हो यहाँ पे आपको बैठ भी सकते हो, या तो फिर ज़्यादा भीड़ हो तो आपको ऊपर आपको जो हैंड रेल दिख रहे हो उसको पकड़ के आप यहाँ पे खड़े भी हो सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो BTS की अलग अलग ट्रेन और उसके रूट के बारे में बताया गया है। तो
तो आप इसका इस्तेमाल करके भी एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जो है वो इजीली जा सकते हो। BTS का I-10 की एप्लीकेशन भी है, तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके BTS के अलग अलग रूट के बारे में जान सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर में भी स्टेशन का नाम बोलते हैं, तो आप इजीली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जो है उतर सकते हो। तो अभी हमारा श्याम स्टेशन आ गया है और हम लोग यहाँ पे श्याम स्टेशन पे उतर गए हैं। श्याम जो है वो एक इंटरसेक्ट स्टेशन है, यहाँ से आप BTS के किसी भी स्टेशन पे जो है वो जा सकते हो। आप देख सकते हो लिफ्ट भी दी गई है, तो अगर कोई हैंडीकैप पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं BTS से तो ये लिफ्ट के जरिए ऊपर आके BTS में ट्रैवल कर सकता है। ये देखिए श्याम स्टेशन पे रैबिट का सर्विस सेंटर आया हुआ है, तो आप यहाँ से अपना रैबिट कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप BTS में डेली ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अपना जो है रैबिट कार्ड बनवा लीजिए, तो कि आपको जो टिकट का जो चार्ज है वो कम से कम लगेगा रैबिट कार्ड में, और आप अपने थोड़े बहुत पैसे जो है वो ट्रैवलिंग में बचा सकते हैं। यहाँ से अभी आपको स्टेशन से बाहर निकलने के लिए ये जो आपको टिकट मिली थी उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा ताकि आप जो है यहाँ से बाहर निकल सको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको BTS के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी। मेरा ये वीडियो देखने के बाद अभी आप अगर BTS से ट्रैवल करना चाहते हो तो आप जो है वो इजीली कर पाओगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।